भाई साहब, यहाँ तो अलग ही लेवल की भीड़ है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड पीएच राइडिंग ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हम दोनों की तरह ज़बरदस्त होंगे। भाई आज हम जा रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम राइड पर, निकले हुए हैं घर से। पता नहीं मेरे को तो कितना टाइम हो गया राइड करे हुए, लास्ट टाइम कब करी थी आई डोंट नो। तो भाई आज राइड पर निकले हैं, मैं पूरे राइडिंग सेटअप के साथ हूँ बट मेरे पास बनी कवर नहीं है। दया भाई हैं हमारे साथ आज और दया भाई ने बनी कवर पहन रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी पैक्ड हूँ भाई, बनी कवर पहन लूँगा मेरा तो दिमाग विमाग सब घूम जाएगा गाइस। तो भाई आपको रोशनी शायद दिख रही हो इस तरफ लेफ्ट साइड में हमारे, तो हम आ चुके हैं छोटी सी राइड लेके अपने घर से फरीदाबाद व्हाइट हाउस की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा यार व्हाइट हाउस चलते हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, घूम भी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे एंड भाई पब्लिक रिएक्शन भी ले लेंगे अगर मिल पाए तो, अदरवाइज़ तो सब कुछ ओके ओके है भाई। क्योंकि इतने दिनों बाद बाइक मिलाई है हमें अपने आप से भैया, मैं क्या कह रहा हूँ यार, कभी कभार ना थोड़ा सा है ना होश से बेहोश हो जाता हूँ। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइक मिली है इतने टाइम बाद चलाने को, भाई सुकून मिल रहा है साइलेंसर वगैरह लगा के, यार अलग ही लेवल का स्वैग है यार, अलग ही लेवल का। दया भाई हमारे पीछे आ रहे हैं, अभी दया भाई से बोलूँगा मैं, तुम आगे रहो, मैं रिएक्शन को कैद करूँगा भाई। दया भाई आगे रहेंगे, ये चेक करो गाइस, रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे अभी से भाई। दया भाई कह रहे मैं नहीं लगाऊँगा भाई, ओ भाई इतनी भीड़, वो कह रहे मैं क्या नहीं लगाऊँगा, फ़ोन वोन नहीं लगाऊँगा, उनका स्टोरेज वगैरह सब भरा हुआ है। तो भाई साहब यहाँ तो अलग ही लेवल की भीड़ है भाई। मैंने आज पता है वो लगा रखे अपने बाल, ओ भाई भीड़ देख रहे हो गाइस, कितनी लेवल की भीड़ है, रिएक्शन तक रिएक्शन है। बाजी बाजी तो शॉक्ड हो गए, बाजी अटक गए, वो चेक करो गाइस गर्ल्स रिएक्शन। भाई जाना कहाँ है? अच्छा यहाँ जाना है, बच्चों के बीच में जाओगे गाइस? रिएक्शन आ रहा है बहुत गजब के, अल्टीमेट गाइस। इस तरफ। अरे 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 भाई बनी कुछ ना हो जाए। गाड़ियों के है ना वो जो सायरन होते हैं ना वो भी बज जाते हैं, ये देखो। गाइस अड्डे पे चलते हैं एक बारी। सो गाइस आपने अभी जो एक सॉन्ग सुना और जो देखा था, राजस्थानी सॉन्ग, ये राजस्थानी स्टाइल में जो सॉन्ग वहाँ पर आप सुन रहे थे, ये भाई एक यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी इवेंट था जिसका मेरे पास एक्चुअली एक दोस्त ने मैसेज भेजा था कि भाई यहाँ पर आज आपको गाना सुन सकते हो राजस्थानी सॉन्ग वगैरह, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब कि इंटरेस्ट है ऐसे गाने सुनने में और ख़ास करके राजस्थानी सॉन्ग जो होता है आई लव इट। तो डेट्स वाई मैं आज आया हुआ था, स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया हुआ था कि मैं आज गाना और ये सब चीज़ें देख पाऊँ और सुन पाऊँ और आप सबको भी छोटा सा एक पार्ट मैं आपको दिखा पाऊँ। और भाई सच बोलूँ अल्टीमेट वॉइस थी, इतनी प्यारी आवाज़ उनकी यार, इतनी प्यारी आवाज़ की मज़ा आ गया, गूज़बम जैसे कहते हैं ना गूज़बम बाजा ना यार, वो आ चुके थे ऑलरेडी और भाई मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था सिवाय किस चीज़ के, वाह और वाह और वाह, बस इसके अलावा हम तो कुछ और बोल ही नहीं पा रहे थे। तो भाई अभी हम वहाँ से गाने वाने, हमने एक घंटा, हमने डेढ़ घंटा टाइम स्पेंड किया और अब हम
9:40 हो चुके हैं। तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी हम। और भाई ये जो व्यू देख रहे हो इंस्टा 360 के X3 से आप व्यू देख पा रहे हो, जो कि लगा है सेल्फी स्टिक में और बाइक के एकदम आगे लगा हुआ है ये कैमरा, जिसे आप देख ही नहीं सकते कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है, बट आपको व्यू दिखेगा। रात का टाइम है तो थोड़ा सा क्वालिटी और थोड़ा लाइट का इशू है, अदरवाइज तो सब A1 क्वालिटी है, सब कुछ डन है। बट आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आप कर देना, इसके अलावा शेयर कर देना चैनल को। और जल्दी हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। बाबा टाटा सायोनारा, राधे राधे।